कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल वालों की गई मीटिंग, पंचायती राज के समूह अधिकारियों नाल मीटिंग, पंजाब च 52 एजेंडा नुक्ते नूं लैके की गई मीटिंग। लाहौर की जेल च शहीद कैदी सरबजीत सिंह की पत्नी का देहांत, एक्सीडेंट दौरान हुई मौत, सिर दे विच सट लगन कारण हुई मौत, भिखी विंड विच किया गया अंतिम संस्कार। वित्त मंत्री हरपाल चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बीजेपी ते सादे निशाने, कहा विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हां मनिंदर कौर लैके हाजिर आ बुलेटिन। सो बुलेटिन का आगाज करांगे अज दी वड्डी खबर तो। दस दिए कि पंजाब के पंचायती राज दे समूह अधिकारियों के नाल कुलदीप धालीवाल दे वल्लों मीटिंग की गई है, जिस दे विच एफ सी आर डायरैक्टर ई टी एफ शामिल सन अते इस दे विच पंजाब एजेंडा के 52 नुक्ते नूं लैके गलबात की गई है। तो इस मौके कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने कहा सी कि रंगला पंजाब बनाउणा है, ते धालीवाल दे वल्लों यह भी कहा गया कि इन्हां पिंडां दे विच विकास करन तो बाद नेम प्लेटां ते आगू जां फिर अधिकारी दा नाम नहीं लिखिया जाएगा, सगो उन्हां माहिरां दे नाम लिखे जाणगे जिन्हां दा इन्हां नूं बनाउण दे विच योगदान होवेगा। पहला तां तुहाडा सब दा चंडीगढ़ तों मीडिया दा सद दा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं अपना टाइम कट के कीमती टाइम कट के आए। मैं तुहानू अपने महकमे के बारे दो चार गल्लां करनियां तुहाडे नाल। अज असी पंजाब दे सारे जिन्ने भी पंचायती राज दे रूरल डिवेलपमेंट के जिन्ने भी अफसर सीगे सब दी मीटिंग करके आए हैं मोहाली दे विच, जिहदे विच साडे जिहड़े एफ सी आर साडे डायरैक्टर साहब, साडे डिप्टी डायरैक्टर साहब, साडे ए डी सी साहब, डी डी पी ओ साहब, बी डी ओ साहब, उहदा सारिआं नूं सद्दिआ सीगा। और असीं कुछ चीज़ां जिहड़ियां पंजाब दे विच करन जा रहे उहदे बारे च अपने अफसरां नूं, अपने महकमे दे अफसरां नूं कहा कि इहदे लई इस सेहत दे विच कम कर। वैसे टोटल तो एक 52 पॉइंट वाला एजेंडा जिहड़ा उन्होंने उत्थे वंडिया सीगा अफसरां ने, पर कुछ चीज़ां जिहड़ियां असीं वल्लों तय किया कि जिहड़ी पंजाब सरकार ने, जिहड़ी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने जिहड़ा कहा सीगा कि असीं पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउणा। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिस दे विच उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू करन जा रही है। इस स्कीम नूं लागू करन दा मुख मकसद है पंजाब च खेडा अते खिडारियों नूं उत्साहित करना। अते होर उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस विच की कहा तुसीं वी सुनो। कि जिहड़ी भगवंत मान जी दी सरकार है आम आदमी पार्टी दी, लगातार असी हर फील्ड च सुधार लई लगातार जिहड़ा काम है वह कर रहे हैं। उवें खेडां नूं लैके भी पिछले दिन ही खेडां वतन पंजाब दियां शुरू कीतियां गईयां, जिहदा मेन मकसद साडा सी कि पंजाब च स्पोर्ट्स कल्चर नूं रिवाइव करना। उधर ही साडे सारे साथियां ने, प्रिंसीपल सैक्रेटरी साहब बैठे है, राजकमल चौधरी जी, डायरैक्टर साहब तमान साहब, सारिआं ने बड़ी मेहनत की, जिले के सारे डी सी ने, होर प्रशासनिक अधिकारियों ने, साडे को साहबान ने, सारिया ने, मैं कहना भी जिहड़े बी डी पी ओ तक हर एक ने उन्हां च बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिदे करके अज जिहड़ा ग्राउंड ते तुसीं सारे देख रहे हो कि उहदे बहुत अच्छे जिहड़े रिजल्ट है वह देखने नूं मिल रहे है। कल ब्लॉक तो बाद जिला पद्धरी कल खेडां पूरे पंजाब दे विच शुरू हुई ने। कल मैं मोहाली गया सी, कल भी थोड़े जो कई साथी आए सी मोहाली। मोहाली तुसी देखो कि 9000 बच्चा जिहड़ा वह पार्टीसपेट कर रहे हैं। पार्टीसपेट नहीं मतलब कि वह ब्लॉक्स के पोजिशन लैके आया, क्योंकि पहली तो दूजी पोजिशन वाले
उन्हें जिले के पार्टीसपेट करना सी, पहला ब्लॉक है फिर डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट। तुम देखो भी 9000 बच्चा जित के आया। मैं पहला बड़ी जगह ब्लॉक दियाँ खेडां दे विच भी कई जगह असी विजिट करके आए, उत्थे तुसी देखो कि एक एक ब्लॉक चों 4000 4500 बच्चा जिहड़ा पार्टीसपेट कर रहा सीगा। नहीं पिछले समय से यह हुंदा सी भी किते 200 तो ज़्यादा पार्टीसपेशन नहीं सी, डेढ़। वित्त मंत्री हरपाल चीमा दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान बीजेपी ते निशाने साधे गए हैं। इस नाल ही वित्त मंत्री ने कहा कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है ते बीजेपी 25 करोड़ रुपए की बोली लगा रही है। इस नाल ही वित्त मंत्री ने होर की कुछ कहा, तुसीं भी सुनो। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ MLA ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 20-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਔਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। सुपर फॉस्फेट खाद के बैगों के नाल भरे ट्रक नूं अनअधिकारित तौर पर गुरदासपुर दे विच लोड करन वाले गुरदासपुर के एक खाद स्टोर मालिक ते थाना दीनानगर की पुलिस से मामला दर्ज किया गया है। दस दिए कि जानकारी मुताबिक खेतीबाड़ी विभाग वालों सूचना दी गई सी कि इस एक जो व्यक्ति है तरन तारण के खाद को गुरदासपुर के गलत तरीके दे नाल उतार रहा है, जिस तों बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के कब्जे दे विच लै के खाद दियां 1200 बोरियां जब्त कीतियां ने। ये जी 1200 बह गया, ये बिल जिहड़ा सीगा पट्टी सचदेवा टेडर के नाँ से उत्थे जानी सी, पर यह गैर तरीके नाल अनधिकार तौर पर जिते साढ़े गुरदासपुर आके बाईपास से सबवे के नाल लथ रही सी। सानू भरोसेजोग सूत्रों तो पता लगा भी इतने कोई गड्डी जी खड़कते खाद ला रही है ट्राली से। मेरी जी इनफोर्समेंट की टीम है अमृतपाल सिंह, ADO अमृतपाल सिंह ते ADO मनप्रीत सिंह वो मौके पर गए, उन्होंने जाके बिल वगैरह चैक किए तो वो पाया गया भी ये गुरदासपुर की खाद नहीं। इस करके इन्होंने तुरंत उस खाद को सील किया तो सैंपल लैके लैबोरेटरी भेजा। ये मौके पर उस वे FIR कराई जिसका नंबर जोड़ा वा 0163 आ, वो असी मौके पर सारी कस्टडी जी अभी पुलिस के हवाले करती है। जे उसे 1200 चों 700 कुछ बैग जोड़े गड्डी से बाकी 470 बैग गड़े ट्रक के 430 बैग जोड़े से वो ट्राली के लथ गए थे। एक दरखास्त वालों एग्रीकल्चर अफसर मसूल थाना हुई सी, इस संबंध में FIR नंबर 163 दर्ज की गई है। ये कंपनी की जी खास सी, कंपनी ने जोड़े बिल कटे से वह तरन तारण साइड के कटे से और गुरदासपुर माल नहीं आ सकता, ये टोटल 1200 कट्टा वा। इस संबंध में FIR दर्ज की है, दोषियों को जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और पूरी तफ्तीश जी अमल में लिया जाएगी। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर के एक निजी हस्पताल 22 साल नौजवान आकाश भट्टी की मौत हुई है। दस दें कि परिवारिक मैंबर ने मृतक देह को सड़क पर रख के रोस प्रदर्शन किया है तो डॉक्टर के उपर लापरवाही के दोष लगाए ने। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया है। मृतक के परिवारिक मैंबर मामा दे मसीह दे आरोप लगाए ने कि डॉक्टरां दे वलो गलत दवाई देन अते टीका लगाउण कारण साडे बच्चे दी मौत हुई है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि इस मामले नूं लैके पिंड वासियां दे नाल कलानौर नैशनल हाईवे नूं 5 घंटे तक जाम रखिया अते प्रशासन तों इंसाफ दी मंग कीती है। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਲਿਆਂਦਾ
पता नहीं इन्होंने की करता। मैनू मेरे पोतरे आंदा चल जा मां का तू मेरी नौ कली निक निक बच्चे जे कुड़ी होई छी आई आने ना चुपड़ा चले डॉक्टर ये गा हो ना के ना कर लगे आए भी हो ना में कर लगे मेरा तो बच्चा ले लिया हो ना ना भी अदा कर लगे। खन्ना दे विच इक अध्यापका ने बहादुरी दिखाउंदे होए लुटेरियां दा मुकाबला कीता ते इस औरत ने सोने दी चैनी खो रहे लुटेरे नूं फड़ के मोटरसाइकिल तों थल्ले सुट्टिया ते इस दौरान लुटेरा धक्का मार के अपने साथी दे नाल मोटरसाइकिल ते फरार हो गया, परंतु औरत ने अपनी बहादुरी दिखा के लुट नूं असफल बनाया ते इह पूरी घटना उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे दे विच कैद हुई है ते पुलिस अधिकारियां ने औरत दी बहादुरी दी शलाघा की है ते सीसीटीवी फुटेज हासिल करके लुटेरियां दी भाल दे विच पुलिस जुट गई है। ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੈਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਚੈਨ ਛੋੜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਚੈਨ ਸੁੱਟਤੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਨਾ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਕ ਝੰਗਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਚੈਨ ਸਨੇਚਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੈਨ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੈਨ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਲੇਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀ ਬਚਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ DSP ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੰਬੂ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਤੀ 12/9/2022 ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SHO ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 159 ਮਿਤੀ 12/9/2022 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਸ ਦੀਪੂ ਸਾਨਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਜਪੁਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ
दो दिन का पोस्टर मार्ट लिया गया है। उस तो बाद अगली पुछगिछ करके कानून मुताब अगली कार्रवाई अमल में लिया जा बवान गुरद्वारा बवान तो महादियां वाल जा रहा है जिथे पुलिस पार्टी ने इंस्पैक्टर एस एच ओ साहब ने गिरफ्तार किया। यह बंदा निहंग सिंह के बाने चा जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल है उत्तराखंड का रहने आपस के जिम्मे चक्रवर्ती सी जिसकी डैथ हुई है ते ए भी उत्थे गुरद्वारा साहब के नेड़े इकट्ठे रहिंदे सी किसी गल तो तकरार होने के कारण इन्होंने बल्कि आप किरत के नाल हमला करके उसका कतल कर दिया। बरनाला पुलिस ने विदेशों तो लोगों तो फिरौती मंगण वाले तीन गैंगस्टर गिरफ्तार किया है जबकि विदेश रेंदे तीन गैंगस्टर वालों फोन वेचन वाले अते होर व्यक्ति तो फिरौती मंगी गई सी। इस मामले च वधेरे जानकारी दिंदे हुए बरनाला दे SSP ने दस्या कि बरनाला शहर दे एक मोबाइल फोन विक्रेता अते जिले दे पिंड कोत दूना दे एक यूट्यूबर नूं सोखा दस्दे कि सुखा दुनेके दे नाम ते गैंगस्टर वालों लुट्टण दी मंग कीती गई है। जानो मारन दीआं धमकियां दित्तियां गईआं सन जिस तों बाद बरनाला पुलिस दे वालों मामले की डूंघाई के नाल जांच की गई और टीम बनाई गई सी जिस दे विच जिले के पिंड कोटदोना विदे तीन वसनीकों पुलिस वालों गैंगस्टर का एक मड्यूल भंग करके काबू किया गया। बरनाला पुलिस ने एक अच्छी उपलब्धि मिली है जिदा कि सानू डायरेक्शन ऑनरेबल CM साहब ऑनरेबल DGP साहब तो साढ़े मानयोग IGP पटियाला रेंज के दिशा निर्देशों तहत बरनाला पुलिस नूं काम करते हुए एक अच्छी उपलब्धि मिली है जिदे विच साड़ी टीम जो कि लीड कर रहे थे साढ़े SPD रमनीश चौधरी जी उन्होंने नाल DSPD संदीप वडेरा जी DSP बरनाला सतवीर सिंह जी CIA इंचार्ज इंस्पैक्टर बलजीत सिंह जी एंड इंचार्ज SHO सिटी बरनाला इंस्पैक्टर बलजीत सिंह जी उन्हां दी टीम ने एक वड्डा मोड्यूल बस्ट किया जिदे विच कि लोगों नू एक्सटोर्शन कॉल आती सी गैंगस्टर्स वालों ये क्रिमिनल्स जिहड़े हैगे छे असी आइडेंटिफाई किए हैं जिदे नाल साढ़े इत्थे भी दो बंदियां नू दो इंडिविजुअल्स नू कॉल आई सी जो कि हैगे एक लवली गर्ग जी हैं जिन्हां दी मोबाइल की शॉप हैगी बरनाला दे विच उन्हां दा भी असी FIR दर्ज की हुई है। FIR नंबर हैगा 384 ये सिटी बरनाला दी है। तो एक है हरिंदर सिंह जी जिन्हों का यूट्यूब चैनल है जो कि FIR असी धनोले दर्ज की है। ये नाल एक FIR होर जो कि लौंगोवाल थाने संगरूर दे विच हैगी जो कि संजीव कुमार जी ने एक थ्रेट कॉल आई सी उत्थे वो भी इसी ग्रुप ने की सी। तो तीन FIRs तो हाल की घड़ी असी कर चुके हैं। ये असी टोटल जिहड़े बंदे है जिन्होंने आइडेंटिफाई तो अरैसट किया है बलजिंदर सिंह उर्फ किंदा गुरविंदर गिल ते बलविंदर सिंह ये तीनों ही कोट दुन्ने दे रहने वाले हैं इन्हां नूं असीं अरेस्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान दे लाहौर दी कोट लखपत जेल दे विच शहीद होई भारतीय कैदी सरबजीत सिंह दी पत्नी सुखप्रीत कौर दी एक्सीडेंट दौरान मौत हुई है। जानकारी अनुसार 49 साल सुखप्रीत कौर अपनी लड़की नूं मिलन दे लई अपने गुआंढी दे नाल मोटरसाइकिल ते बैठ के अमृतसर जा रही सी। अमृतसर दे बाहर वार टोए दे विच मोटरसाइकिल वजन कारण हेठा डिग पई जिस कारण उसके सिर दे विच सट लग गई जिसके चलते उसनों अमृतसर दे निजी हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया जिथे उन्हां दे इलाज दौरान मौत हो गई है। परिवारिक मैंबरां दे वल्लों कल रात पोस्टमार्टम तो बाद उन्हां दी मृतक दे भिखी विंड लियांदी गई अते अंतिम संस्कार कीता गया। चले सीगे जलंधर ही आ रहे साडे कोल बस आना सीगा बट इधर मुंडा हैगा वह कहिंदे कि मैनूं बाइक ते ना अमृतसर छड्ड के आ जा ते बाइक ते जाण डे सीगे जदों सवेरे फोन कीता उन्हां नूं कि कित्थे पहुंचे ते उह मुंडे ने फोन चक्किया कहिंदा उह ते डिग गए आ बाइक ते उस तो बाद हॉस्पिटल लिया के गया तो डॉक्टर के ना गल हुई है तो उन्हें सीधा वेंटिलेटर तक लाता वो कहता सीरीयस कंडीशन है। बस फिर असं पहुंचे इतने तो डॉक्टर तो यही कह रहे थे कि अपना कोमा के बट है 15% चांस हैगी है क्रिटिकल है उधर फिर सैकेंड ओपीनियन ली बट इन द मॉर्निंग उन्हें दसता कि हार्ट बीट बंद हो गया। फिलहाल दे लिए इन्ना ही ते मैनू मनेंद्र कौर नूं दिओ इजाजत ते बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल। सत श्री अकाल धन्नवाद।